हत वांग्मय में कहाँ गया है। को हो पीइंग पणा से मानो विनय नाशनो माया मित्ताणि नाशे लोहो सब विनाशनो आश्रय। हमारे भीतर अनेक वृत्तियां हैं, सामान्य आदमी में कुछ अच्छाइयां भी देखने को मिल सकती हैं तो उसमें कुछ कमजोरियां भी हो सकती हैं। किसी में अच्छाइयों का पलड़ा भारी है, कमजोरियों का पलड़ा हल्का है, तो किसी में कमजोरियां ज्यादा हैं, अच्छाइयां कम हैं। यत्किंचित अच्छाई तो हर आदमी में मिलती है, जो कमजोरियां हैं उनको भी आदमी कम करने का, दूर करने का यथासंभवतया प्रयास करता रहे। किसी किसी आदमी में गुस्सा आक्रोश यह थोड़ा ज्यादा होता है, आदमी की कमजोरी है कि उसे झट गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से को कंट्रोल में रखना भी मुश्किल हो जाता है। फलस्वरूप आदमी कुछ बोलता है गुस्से में, कभी कभी हाथ आदि से प्रहार भी कर लेता है। तो यह गुस्सा किसी का तीव्र होता है, किसी का मध्यम स्तर का होता है और किसी का मंद मंद रूप में होता है। मंद, मध्य और तीव्र तीन रूपों में यह गुस्से की वृत्ति आदमी में हो सकती है। ठीक है, मोहनीय कर्म का प्रभाव होता है, उदय होता है, प्राबल्य होता है, तो आदमी आक्रोशशील बन जाता है। और गुस्सा जब तेज आता है, मानो विवेक पर थोड़ा पर्दा सा डाल देता है। कृत विवेक लोपह कोपह, कोप कैसा, जिसने मानो विवेक का लोप जो कर देता है, कर चुका होता है, तो कृत विवेक लोपह कोपह, गुस्से से विवेक मानो आवृत सा हो जाता है और बाद में पश्चाताप भी कई बार करना पड़ता है। आदमी सोचता भी, अरे क्यों मैंने गुस्सा किया, क्यों उसको कहा, नहीं बोलता तो अच्छा रहता, एक बार बोल तो दिया, अब चिंता कि वो सामने वाला भी अब वापिस प्रतिकार में क्या करेगा। तो वाणी पर कंट्रोल, जबान पर लगाम रखना हम सीख लें कि जबान पर कंट्रोल रखें। अब वो गुस्सा तीव्र आता है तो वो लगाम भी मानो हाथ में नहीं रहती है और जबान बेलगाम हो जाती है। कई साधक लोग इस मायने में बड़े ऊंचे उठे हुए होते हैं, उन्हें विशेष कोई गुस्सा, यानी उनकी वाणी में, उनके शारीरिक व्यवहार में विशेष गुस्सा देखने को नहीं मिलता है, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं।
हमारे साधु समुदाय में भी किसी किसी को थोड़ा गुस्सा आ भी सकता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बोल देता है, या कोई बड़े शांत स्वभाव के भी हो सकते हैं। साधु को तो खैर साधनाशील होना ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी कईयों को गुस्सा ज़्यादा आता होगा, कई थोड़े शांत अच्छे झटपट गुस्सा ज़्यादा नहीं करते, ऐसे मिल सकते। यह प्रकृति है, साधुओं में भी तारतम्य मिल सकता है और गृहस्थों में भी तारतम्य मिल सकता है। तो हमें यथोचित्य गुस्से की कमजोरी है तो उसे दूर करने का, कम करने का प्रयास करना चाहिए। गुस्से के परिणाम खराब आ सकते हैं। आपका परिवार है, आप परिवार में ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो परिवार में थोड़ी अशांति और कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। आप खुद भी थोड़े अशांत हो सकते हैं कि मैंने क्यों कहा। तो पारिवारिक दृष्टि से भी गुस्सा करना, अब गुस्सा मान लो दो बार कोई सुन लेगा, चार बार सुन लेगा, कभी सामने वाले का मुंह भी खुल जाएगा, वो वापस सुनाना शुरू कर देगा, दो की चार सुनाना शुरू कर देगा। इसलिए पारिवारिक संदर्भ में भी ज्यादा गुस्सा करना काम का नहीं है। न बड़े को कोई कहे मैं तो मुखिया हूं परिवार का, ठीक है, मुखिया आदमी मुखिया होता है, पर मुखिया भी ज्यादा गुस्सा करता है तो उसके प्रति इज्जत की भावना थोड़ी फिर परिवार में कम हो सकती है, क्योंकि आखिर बच्चे लोग भी ज़्यादा फिर कब सहन नहीं कर सकते, तो वो फिर सामने बोलना शुरू कर सकते हैं। तो पारिवारिक दृष्टि से भी ज़्यादा गुस्सा करना काम का नहीं। कोई कड़ी बात भी कहनी है, बात कहने में शांति रखे, कड़ी से कड़ी बात कहनी है, बड़ी से बड़ी बात कहनी है, पर कहने में शांति हम रखें, यह तरीका संभवतः अच्छा रह सकता है। हालांकि सहना चाहिए, बड़े को जो मुखिया होते हैं उनको भी सहन करने की आदत रखनी चाहिए कि बड़ों को भी आखिर थोड़ा कई बार धैर्य रखना होता है। यानी मुखिया को, परिवार का भी मुखिया है तो उसको भी सहना चाहिए, मौका देख करके शांति से कहना भी चाहिए, कुछ कहे नहीं तो परिवार में गड़बड़ी हो सकती है, तो सहना चाहिए, मौके पर शांति से कहना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए। यह फार्मूला परिवार के लिए कि सहना, मौके पर कहना, शांति में रहना। तो पारिवारिक जीवन हमारा ठीक इस संदर्भ में अच्छा रह सकता है। आप व्यापार करते हो मान लो दुकान ऑफिस, तो व्यापार में भी गुस्सा ज़्यादा काम का नहीं है। आप दुकान पर गुस्सा करोगे तो ग्राहक के साथ गुस्सा करेंगे ज़्यादा, फिर ग्राहक आपके पास आना ही छोड़ देंगे। ग्राहकों को भी राजी रखा जाए बोल व्यवहार में तो वो ग्राहक भी थोड़े प्रसन्नता से आ सकते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से भी दुकानदार ज्यादा गुस्सा करेगा तो उसके दुकान में लोगों का आवागमन कम हो सकता है। तो गुस्सा करना, ज्यादा गुस्सा करना वहां भी काम का नहीं है। तो पारिवारिक दृष्टि, व्यापारिक दृष्टि, अब सामाजिक दृष्टि से देखें, आप समाज में हैं, कोई उपाध्यक्ष है, कोई कुछ है, कोई मंत्री है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई कुछ है, अब समाज में है, संस्था में है,
अब समाज में आप ज्यादा गुस्सा करोगे तो फिर समाज में भी आपके प्रति थोड़ी वो भावना कम हो सकती है। तो भी समाज का मुखिया साथ लेकर चल सके, धैर्य और शांति रख सके, तो वह भी एक अर्हता पात्रता मुखिया में होगी कि वो साथ लेकर चल सके, टीम वर्क कर सके और शांति से सबको साथ लेकर काम करने की स्थिति हो। तो समाज में ज्यादा गुस्सा करेंगे तो भी समाज के लोग भी उसको अच्छा न माने, तो समाज समुदाय में भी ज्यादा गुस्सा नहीं, ज्यादा थोड़ा बहुत तो मान लो कभी कोई बात हो जाए, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आत्मा की दृष्टि से देखें तो ये कषाय है गुस्सा, ये हमारी आत्मा के लिए हम बार बार गुस्सा करते हैं, बोलते हैं, किसी को बार बार डांटते हैं, हमारे कर्मों का बंद हो सकता है। तो आत्मा के हिसाब से भी शांति में रहना यूं बढ़िया है। तो यह गुस्सा हमारी मोटा मोटी कमजोरी है। कभी कभी मान लो कुछ उलाहना भी देना है, कुछ डांटना भी मान लो है, तो मन में गुस्सा नहीं करना चाहिए। शब्दों में थोड़ी तेजी आ गई, मन में आक्रोश नहीं आए, उत्तेजना तेजी नहीं आए, हालांकि शब्दों में भी जहां तक हो सके क्यों किसी को कड़ा कहना चाहिए, शांति से कह दें, कहने में शांति रखें। तो ये आक्रोश की प्रवृत्ति अगर सामने वाला गुस्सा करता है तो इधर वाला सोचे ठीक है ये भले गुस्सा करे, मुझे वापिस गुस्से में जवाब नहीं देना है। वो उक्ति जो चलती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, ये नीति कहीं कोई हो सकती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, कहीं कहीं यह पॉलिसी हो सकती है कि हमारे पर आक्रमण करेगा तो हम भी वापिस, कहीं कहीं कोई नीति राजनीति आदि में हो सकती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। पर व्यवहार में अध्यात्म की भाषा में हम सोचें तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फूलों से दे, कुसुमों से दे, कोमलता से दे, शांति रखें। सामने वाले ने गालियां दे दी तो दे दी, कोई कुछ बोल दिया तो बोल दिया, मौका आने पर स्पष्टीकरण किया जा सकता है, पर वापिस गुस्सा सामान्यतया नहीं करना अच्छा प्रतीत हो रहा है। सामने वाला हमारे बारे में 100-10 बातें बोल गया, बोल गया। अब हम यह सोचें, देखिए सामने वाला निंदा करता है, कुछ करता है, हम पत्रों में पढ़ते भी हमारे बारे में निंदा हुई है, कोई बोलकर निंदा करता है, तो वापिस हमें क्या सोचना चाहिए? हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे बारे में कोई पैम्पलेट छपा है, मेरे बारे में किसी ने कई बातें बोली है, इन बातों में कोई सार है क्या कि 10 बातें मेरे बारे में आपने बोल दी या लिख दी, इन 10 बातों में कोई सही बात है क्या? लगे भाई 2-4 बातें तो सही लिखी है, वास्तव में हमारी गलतियां हुई है, तो ठीक है जो 2-4 बातें सही है हम उनको नोट कर ले, ये 2-4 बातें इनकी सही है, हमें सुधार करना चाहिए, हमें परिष्कार करना चाहिए, कि बाकी 6-8 बातें तो यथार्थ है तो छोड़ो, हमें क्या मतलब है, काम की चीज ले लो बाकी को छोड़ो। लगे कोई बात सही है ही नहीं, सब फालतू बातें हैं, तो छोड़ो, पन्ने को रखो एक तरफ, दिमाग पर भार नहीं करना, फालतू बातें हैं, कोई सही बात नहीं है, तो मैं क्यों टेंशन करूं, बोलने वाला जाने, लिखने वाला जाने, मैं न तो आक्रोश करूं, वो जाने, उसका काम जाने। तो सच्ची बात हो
ग्रहणीय हो तो स्वीकार कर लें, करेक्शन करने का प्रयास करें। यथार्थ फालतू बातें तो बस उसको दिमाग में ज्यादा स्थान ही न दें, न गुस्सा करें। तो आक्रोश में झटपट हमें नहीं आना चाहिए। यानी आप गृहस्थों को भी कर्म बंधन के हिसाब से भी शांति रखें, गुस्सा नहीं करें। हम सहन करेंगे, अच्छा भाव रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, हमारे कर्म निर्जरा हो सकेगी। तो यह गुस्सा एक कमजोरी है, और जो धैर्यशील आदमी होता है वो वापिस झटपटियों प्रतिक्रिया नहीं, गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं करता या नहीं करनी चाहिए। हाँ, कभी मौका आए, लगे अब बोलना उचित है तो बोल करके या लिख करके स्पष्टीकरण भी किया जा सकता है। बाकी तो अच्छे काम करते रहो, निंदा का जवाब अपने अच्छे कार्यों से दो। बोलकर दो न दो, अच्छे कार्यों से जवाब देना चाहिए। भी वो निंदा करने वाले भी कभी सोचेंगे, हम तो निंदा करते थे, ये तो कितना बढ़िया काम करते हैं। तो कार्य बढ़िया करते जाओ, करते जाओ। कभी निंदा करने वाले भी शांत हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का विरोध भी कितना हुआ। जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद। तो विरोध को विनोद समझो, यानी गुस्सा न करें। तो आचार्य श्री का इतना विरोध हुआ, तरह तरह का विरोध हुआ। तो विरोधों में भी शांति रखना, धैर्य रखना, निराश नहीं होना। इस स्थिति का निर्माण हमारे में हो कि विरोध में भी जल्दी से घबराएं नहीं, अशांत न बने, निराश न बने, अच्छे रास्ते पर हम चलते रहें। तो यह सहनशीलता, सहिष्णुता, ये आदमी का एक गुण होता है, बड़प्पन होता है, सहन कर लेना। संस्कृत का सूक्त है, क्षमा वीरस्य भूषणम्। क्षमा वीर आदमी का भूषण, गहना होता है। तो इस क्षमा को हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे, उनके जीवन को हम देखें, पढ़ें, कितना उनका भी विरोध हुआ था। तो विरोधों में भी शांति रखना, और न घबराना, न आवेश गुस्सा करना, समझदारी से अच्छे रास्ते पर चलते रहना। तो जहाँ सहिष्णुता है, समुचित विनम्रता है, सूझबूझ है, प्रबुद्धता है, तो वह आदमी मुखिया के दायित्व को भी काफी अच्छे ढंग से निर्वोड कर सकता है। और मुखिया है, बड़ा है, वो बात बात में अगर असहिष्णुता का परिचय दे, धैर्य न रखे, घबरा जाए, डर जाए या गुस्से में आ जाए। घबराना भी कमजोरी है, आवेश का आना भी कमजोरी है। तो न तो आवेश में आना चाहिए, न घबराना चाहिए सामान्यतया। तो यों हम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने का प्रयास करें। शास्त्रकार ने कहा, को हो पीइंग पणा से ही, ये क्रोध है वो प्रीति का, प्रेम का नाश करने वाला होता है। हम उपशम के द्वारा अपने क्रोध को जीतने का, कमजोर करने का, शांत करने का प्रयास रखें, यथासंभव प्रयास करें, यह काम्य है।
दानान शिठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।